देखिए आपकी चिंता जायज है कि इतना कम समय रह गया है और आप वेट कर रहे हो कि शायद पोस्टपोन हो जाए, शायद पोस्टपोन हो जाए, और बार बार ये फोन मुझे आ रहे हैं, क्वारीज आ रही हैं कि सर टाइम पर पेपर होगा। तो अच्छा, आप ये शक क्यों कर रहे हो? इसका भी कारण यही है। पहले मैं इनकी बात जरूर कर रूं, इनका दुख है रियली। आप ये न्यूज़पेपर सुन रहे होंगे कि गेस्ट फैकल्टी टीचर प्रोटेस्ट अगेंस्ट पंजाब एजुकेशन व्हाट एवर इज गेस्ट फैकल्टी टीचर प्रोटेस्ट री टीचर प्रोटेस्ट फोटो ओके। इवन इस पर राजनीति भी हो रही होगी, होनी है, उन्होंने अपना फायदा उठाना है। इनके फेवर में मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ, कहूँगा कि इन्होंने 10 से 20 साल 15 साल गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीच किया है, उस वक्त टीच किया है जब गवर्नमेंट भी सैलरी नहीं दे रही थी। देखिए सारा दोष किसका है कि टाइमली गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट नहीं की, ठीक। तो उस वक्त इन लोगों ने उन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स को टीच तो किया है ना, तो 10 साल बाद 15 साल बाद किसी को मतलब जो कितनी सैलरी पर काम करते रहे हैं ये भी आपको पता है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने भी जो 10,000 के करीब जो भी देना शुरू किया था वो बड़ी लेट शुरू किया, तो एकदम उनको जीरो कर देना जस्टिस नहीं है, ये क्लियर है। दूसरी तरफ कि आप पूछ रहे हो कि जल्दी जल्दी ये पेपर उसी डेट को हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, रीडिंग के लिए भी इवन टाइम नहीं है, तो ये सभी के लिए है नंबर एक, ठीक। अगली बात ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट की गई है, दो तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, ये बात समझ लेना, दो तरह से। एक एडवर्टाइजमेंट होती है वो पहले से ही रिट की प्लानिंग की, गवर्नमेंट उसमें ऑप्शन रखती है और शायद खुद ही कोई पहले से ही रिट रेडी होती है, ठीक। यहां जो एडवर्टाइजमेंट हुई है वो इस प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर से हुई है, लीगल प्रोसीजर का मुझे नाम नहीं है, एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड नहीं, जार्गन मुझे नहीं पता। तो जो के जब रिट होती है तो स्टे के लिए जाते हैं, तो जज साहब जब दोनों ही पार्टी सामने पेश नहीं होती, लॉजिक नहीं देती, तो स्टे नहीं मिल सकती, ठीक है। स्टे जब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 4-4 के करीब रिट्स हो चुकी हैं, ठीक। लेकिन पहले से ही एडवर्टाइजमेंट देने से पहले ही ऐसा प्रोसीजर लीगल फॉलो किया गया है कि स्टे की चांसेस मिनिमाइज, मैक्सिमम मिनिमाइज किए गए हैं, और अब तक स्टे नहीं हुई, ये अब तक की जो खबर है। दैट इज व्हाई वो टीचर प्रोटेस्ट पर भी हैं, उन्होंने जस्टिस लेना है, उनको चाहिए भी, मिलना चाहिए भी, उनके भी फैमिली है और उन्होंने सर्विस दी है, ठीक। तो लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो इसको ध्यान रखते हुए, वो न्यूज भी आप देख रहे होंगे, इसको दूसरी तरफ ध्यान रखते हुए, और अब तक की जो खबर है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने आपके जो सारे इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, पेपर छप चुके हैं आपके, बस एडमिट कार्ड आ रहे हैं, फर्दर प्रोसीजर हो रहा है, 20th और 21 को, फर्स्ट को जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है अभी तक, अभी तक चलो वो 100% है, तो मैं फिर भी ये इसको सामने रखते हुए ये न्यूज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 99% जो आपका एग्जाम है उसी डेट को हो रहा है, ठीक। तो प्लीज आप तैयारी करते रहिए, अगर आपकी प्रॉब्लम टाइम की है तो वो सभी जनों की है, अगर आपकी प्रॉब्लम सिलेबस की है तो आपके सब्जेक्ट की सभी जनों की है। आप उस पर सोचना ही बंद कीजिए कि अगर 20th को होता है पेपर तो भी ठीक है, अगर पोस्टपोन होता है, मान लीजिए, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा हूँ, आप जो भी इसका मीनिंग आपने निकालना है निकाल सकते हो, ठीक। तो मेरे हिसाब से 99% पेपर हो रहा है, उसी वक्त हो रहा है। और नेक्स्ट का जो खबर है
कि नया साल जो है वो ये सोचा जा रहा है, नया साल कब है, 1 जनवरी को होता है ना, दूसरे पेन से लिखो, ये रहा, नया साल होता है आपका 1 जैन को, और 1 जैन से पहले क्या 1 दिसंबर भी है, और 1 दिसंबर से पहले ये बीच में 10 दिसंबर भी है। तो ये खबर क्या है कि 20th ये आपको नवंबर ही है ना, तो उसको ये अगर आपका एग्जाम होता है तो इसके बीच आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएंगे। खबर ये है कि हो सकता है 10 तक इसी साल आप कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को टीच करते हुए पाए जाए। तो इतनी अगर बड़ी इतने मोटिवेशन से डेडिकेशन से प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, और प्लानिंग जो एस्पेक्ट है, प्लानिंग मैंने जैसे कहा है कि प्लानिंग अगर ऐसे की होती तो साथ में रिट हो जानी है, क्योंकि इलेक्शंस हैं, उनका पर्पस है कि सिलेक्शन करके, कृष्ण कुमार जी का पर्पस है कि वो मतलब सिस्टम को जल्दी जल्दी से अपडेट जो भी करना चाहते हैं उसके लिए उनको जल्दी से जल्दी जो कंपटीशन में जीत के आते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है और आपको जॉब पर भेजना है, और उन्होंने काम भी लेना है, ये भी बात सत्य है, ये भी है, सैलरी भी देनी है, काम भी लेना है। दैट इज वाई उन्होंने इस एस्पेक्ट को पहले मद्देनजर रखते हुए, इतिहास में जो होता है जब एडवर्टाइजमेंट होती है, जब ऐसे केस होते हैं, स्टे हो जाती है, उसको पहले हुए ऐसा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया है। सो आप ये मान के चलें, आप 100% मान के चलें, मेरे पर कोई विश्वास प्लीज मत करो, डाटा जो है सामने है, मेरा कोई मैंने लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपकी टेंशन जब देखता हूँ तो बस 20 तारीख तक उसके बाद फ्री होऊंगा। तो आप प्लीज़ तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए, 2 वीडियो वैसे मैंने निकाले थे कि प्रेपरेशन ऐसे कीजिए, तो आप एक बार स्किमिंग ज़रूर कीजिए, सारे टॉपिक ज़रूर देखिए, थोड़े थोड़े मीनिंग कंसेप्ट के ज़रूर देखिए, थ्योरी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ला ज़रूर देखिए, थोड़े बहुत पिछले क्वेश्चन ज़रूर देखें, तो कोई भी अनकवर्ड आपका वो ना रहे। अच्छा, कई फोन ऐसे आए जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा था, वो कह रहे सिलेबस पूछ रहे हैं कि पहला पेपर या दूसरा पेपर, तो प्लीज़ सिलेबस पहले देखिए, उसको रीड कीजिए, जो 2 वीडियो निकाले थे वो सिलेबस को रीड करने पर ही मैंने, मुझे अब याद नहीं है पूरी तरह से। सो अब तो एक ही नुक्ता है जो आपको कह रहा हूँ कि ये जो दिन 20 तक बचे हैं, अपनी सारी एनर्जी अपने सोशल रिलेशंस को कहो हमारी हेल्प करो, और हमें टाइम मैक्सिमम दो ताकि हम अपना ये एम जो है अचीव कर सकें, और कोई एक्सक्यूज और मन में कुछ भी मत लाओ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो, और साथ में बेशक डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, व्हाटएवर, हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हुए। तो बाकी फ्रूट जो है, जो गीता साहब जो कहता है, उस पर बाकी छोड़ो, अपनी डेडिकेशन के बाद उससे पहले नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कुछ निकाल रहा हूँ कि कैसे UGC नेट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, थोड़ा लंबे वीडियो होंगे, अगर आपको ठीक लगे, अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।